इंग्लिश ग्रामर लेसन वन एल्फ़ाबेट्स। तो लेटर के हवाले से आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा इंग्लिश के हवाले से ग्रामर है। तो इस हवाले से आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लेटर के हवाले से पढ़ेंगे। यानी जब इंग्लिश के जो लेटर होते हैं उन सब को मजमूई तौर पर हम एल्फ़ाबेट्स कहते हैं, यानी हरूफ तहजी। उर्दू में ये हरूफ तहजी कहलाते हैं, अंग्रेज़ी में हम इनको एल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। सबसे पहले हम लेटर की तरफ आते हैं। लेटर क्या होता है? अ राइटिंग सिंबल ऑफ अ साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। यानी कोई भी जबान जो हम लिखते हैं उसके लिए जो राइटिंग सिंबल यानी लिखने वाली जो अलामत होती है, तो उस अलामत को हम या जो हमारे मुंह से जो हम बोलते वक्त हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो सारे हरूफ होते हैं। जो भी जबान हम बोलते हैं वो जबान बोलते वक्त हमारे मुँह से जो हरूफ निकलते हैं या जो अल्फाज निकलते हैं वो जिन हरूफ का मजमूआ होते हैं वो उसी ज़बान का के हरूफ कहलाते हैं। पश्तों के अपने हरूफ होते हैं, उर्दू के अपने हरूफ होते हैं, अंग्रेज़ी के अपने हरूफ होते हैं। अंग्रेज़ी में जो हरूफ होते हैं इनको हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स, यानी उर्दू में इनको हम हरूफ तहजी जबकि अंग्रेज़ी में हम इनको अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। राइटिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स को हम अंग्रेज़ी में दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, यानी उर्दू को हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं अलिफ बा पा पेते वगैरह, जबकि इंग्लिश में हम इनको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर, एक होता है स्मॉल लेटर्स। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको हम ए जो होता है ये इस तरह का लिखते हैं ए बी सी डी अप टू जेड। जो स्मॉल होते हैं इनको हम थोड़ा ये दूसरे तरीके से लिखते हैं, यानी इनकी अपनी तरीक़ाकार होता है ए बी सी डी अप टू जेड, ये इनका तरीक़ाकार है लिखने का। तो अल्फ़ाबेट्स को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। वावल्स एंड कॉन्सोनेंट, वावल को हम उर्दू में हरूफ इल्लत बोलते हैं, कॉन्सोनेंट हरूफ सही। वावल हमारे साथ ए ई आई ओ यू है, जिस लफ्ज से पहले वावल आ जाए यानी जिस लफ्ज के शुरू का लेटर वावल वाला हो ए ई आई ओ यू, अगर वो अलेफ या आइन की आवाज़ निकाले तो उस लफ्ज से पहले हम एक और लफ्ज लिखते हैं जिसको हम कहते हैं इन। फॉर एग्ज़ाम्पल इन एग, एक अंडा, इन अम्ब्रेला, इन ईयर, इन ईगल, इन ऑनियन। यानी जो अलिफ या आइन की आवाज़ निकालता है उर्दू में तो उन अल्फाज से कबल, यानी अंग्रेज़ी के वो अल्फाज जो शुरू हो जाते हैं और उर्दू में जब हम इनके हिजी करते हैं जब वो अलिफ या आइन से शुरू होते हैं तो उनको हम हरूफ इल्लत बोलते हैं, उनके लिए हम इन लगाते हैं। कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जो वावल तो नहीं होते लेकिन इनकी आवाज़ अलिफ या आइन से शुरू हो जाती है, इनको हम सिमी वावल्स यानी वावल की तरह होते हैं। बिल्कुल वावल तो नहीं ही होते तो सिमी वावल्स वावल जैसे होते, जैसे आवर इन आवर, एक घंटा इन आनेस्ट, एक दयानतदार इन एम ए। कुछ ऐसे होते हैं जो वावल वाले लेटर से शुरू होते हैं ए ई आई ओ यू से लेकिन उनकी आवाज़ अलिफ या आइन की नहीं होती है तो उनसे पहले हम एन नहीं लगाते, मसलन ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस तरह दीगर कुछ अल्फाज हैं। इसके बाद हमारे साथ है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, यानी अल्फाज और जुमला। अ सम ऑफ लेटर विच गिव मीनिंग्स एज कॉल वर्ड्स, यानी हरूफ का वो मजमुआ जो आपको एक मानी दे, यानी जब हम मुख्तलिफ हरूफ को जमा करते हैं और वो आपको एक अलग मानी दे, जैसे डब्ल्यू एक हरफ है, ओ अलग हरफ है, आर डी अलग अलग हरूफ है, तो इनसे वर्ड निकलता है सिटी, सी आई टी वाई, चार हरूफ से मिलकर सिटी बना है जिनको हम शहर बोलते हैं। इनकी अलग मानी है एस सी एच डबल ओ एल, तो ये छः हरूफ से मिलकर बना है स्कूल जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह ये सारे हरूफ हरूफ से मिलकर अल्फाज बनते हैं। जब हरूफ को हम इनको तरतीब दे और इनके मजमूई से एक बामानी लफज निकल जाए, बामानी एक मानी वाली चीज़ निकल जाए तो उसको हम लफज बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, हरूफ या अल्फाज का मजमूआ एक ऐसा मजमूआ जो आपको एक मतलब या एक मानी दे इसको हम सेंटेंस बोलते हैं। आई एम अबुआई, आई एक हरफ है, एम एक इसमें लफज है, ए बुआई इनमें चार अल्फाज से एक जुमला बना है। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ यानी जब मुख्तलिफ अल्फाज जमा हो जाते हैं तो उन मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए से जब आपको एक की समझ आ जाए तो फिर उन अल्फाज को हम जुमला
उर्दू में बोलते हैं और अंग्रेज़ी में हम इनको सेंटेंस बोलते हैं। तो अल्फाज के मजमूई को, जब एक अल्फाज के मजमूई की आपकी समझ आ जाए, जिसका मतलब या मफहूम आपकी समझ में आ जाए, तो इसको हम जुमला या सेंटेंस बोलते हैं।